हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज का वीडियो एक रिव्यू वीडियो होने वाला है और आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ द सोमी स्कैन प्रोडक्ट के अल्टीमेट हेयर शाइन सीरम का। जितने लोग नहीं जानते हैं कैन प्रोडक्ट के बारे में, मैं उन्हें ये बता दूं कि कैन प्रोडक्ट जो है इट्स अ कोलकाता बेस्ड आयुर्वेदिक कंपनी एंड इनके प्रोडक्ट आपको कोलकाता में बहुत इजीली मिल जाते हैं एंड कोलकाता के बाहर भी बहुत इजीली मिल जाते हैं आजकल तो ये प्रोडक्ट। अरे और ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, तो अगर आपको कहीं ये प्रोडक्ट नहीं मिलता है तो आप ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हो। और इनके प्रोडक्ट 100% आयुर्वेदिक होते हैं, कम्प्लीटली सेफ होते हैं यूज़ करने के लिए। मैं खुद बहुत सारे कैन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ और मैंने बहुत सारे इनके प्रोडक्ट के रिव्यू किए हैं अपने चैनल के ऊपर। जितने लोगों ने भी मेरे रिव्यू वीडियो देखे उन सबको मेरे रिव्यू वीडियो बहुत पसंद आए, सो थैंक यू सो मच मेरे रिव्यू वीडियो को पसंद करने के लिए और मुझसे और दूसरे दूसरे प्रोडक्ट के रिक्वेस्ट करने के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन विद आवर टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के प्राइस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि इसका प्राइस क्या है, हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो प्रोडक्ट है उसका प्राइस है 125 रुपीज़ फॉर 100 ml ऑफ प्रोडक्ट। 125 रुपये का प्रोडक्ट आता है, 100 ml है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के मेन इन्ग्रीडियंट की, बिकॉज मुझे ऐसा पर्सनली लगता है हम अपने हेयर्स में स्किन में क्या लगा रहे हैं, हमें एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि उसका मेन इन्ग्रीडियंट क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, वो सेफ़ भी है कि नहीं यूज़ करने के लिए। ये मुझे बहुत ज़्यादा हमेशा रहता है, चाहे मैं अपने मेकअप की बात करूँ या स्किन केयर आइटम्स की, मैं हमेशा उसका मेन इंग्रेडिएंट ज़रूर चेक करती हूँ। तो मैं आपको भी बताती हूँ कि इसके मेन इंग्रेडिएंट क्या है तो काफ़ी सारे, लेकिन तीन जो है एकदम मेन है। फर्स्ट है टी लीफ, मेरे हाथ में बॉटल है, मैं नीचे देख देख के पढ़ रही हूँ उसमें। फर्स्ट है टी लीफ, टी ट्री नहीं लिखा हुआ है इसमें, मुझे नहीं पता, आई मीन उसे ग्रीन टी नहीं लिखा हुआ है या कुछ और मेंशन नहीं है, प्रॉपर टी लीफ लिखा हुआ है, आई डोंट नो, टी लीफ लिखा है आई एम श्योर, अच्छा ही बता होगा टी लीफ। सेकंड है जवा फूल, जवा फूल बहुत अच्छा होता है इसके लिए, ये मुझे पता है। एंड थर्ड है मेथी सीड, आई एम श्योर आप सब भी जानते होंगे मेथी सीड हमारे हेयर्स के लिए बहुत बहुत अच्छी होती है। तो ये हो गई बात मेन इंग्रेडिएंट की, मैंने आपके साथ इसका मेन इंग्रेडिएंट भी शेयर किया, प्राइस और क्वांटिटी भी शेयर की। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है और कितना अपने क्लेम को पूरा करता है। मैंने इतना टाइम में प्रोडक्ट यूज़ किया तो मुझे क्या फील हुआ, मुझे कैसा लगा इस प्रोडक्ट के बारे में, मैं कैसे इसे यूज़ करना पसंद करती हूँ, इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्योंकि हर एक चीज़ के कुछ ना कुछ प्रोज होते हैं, कुछ ना कुछ कॉन्स होते हैं, इसके भी है, मैं आपको वो भी शेयर करूँगी अपना पूरा एक्सपीरियंस। तो पहले बताती हूँ कि प्रोडक्ट क्या क्लेम करता है। तो पहले आ जाते हैं प्रोडक्ट के क्लेम्स के ऊपर। सबसे पहले जो प्रोडक्ट क्लेम करता है वो है इट हेल्प्स टू नरिश द हेयर, या आपके हेयर्स को नरिश करने में हेल्प करेगा। क्या है, कंट्रोल्स ओवर फ्रिजी हेयर एंड मेक्स टैंगल फ्री, आपके हेयर्स जो बहुत फ्रिजी हो जाते हैं, लाइक हमारे हेयर नॉर्मली फ्रीजी हो जाते हैं क्योंकि विंटर्स में हेयर्स ड्राई हो जाते हैं या हम कहीं बाहर घूमने फिरने जाते हैं तो ह्यूमिडिटी से भी एकदम ऐसा झाड़ू जैसा बाल हो जाता है, फुस हो जाता है, तो हमारे हेयर्स की फ्रिजीनेस को कंट्रोल करेगा। मेक्स टैंगल फ्री, आपके हेयर्स अगर टैंगल हो गए तो बहुत ईजिली डिटैंगल कर देगा। कीप्स द हेयर सिल्की स्मूदर एंड मोर शाइनियर, ओके तो आपके बोल रहे हैं कि आपके हेयर्स को ये बहुत सिल्की बना देगा, जो नॉर्मली सीरम का काम होता भी है, बहुत स्मूथ बना देगा इसके एप्लीकेशन से आपके हेयर्स को, बहुत शाइन भी करेगा। आई मीन टू से इसका मतलब है कि आपके हेयर्स बहुत शाइनी हो जाएंगे इस प्रोडक्ट को अप्लाई करने के बाद। इट ऑल्सो हेल्प्स टू प्रोटेक्ट योर हेयर, और बोल रहा है कि आपके हेयर्स को यूवी रेज से भी प्रोटेक्ट करेगा, जो बहुत अच्छा है, जो आई थिंक एक सीरम का काम भी होता है। बहुत लोग नहीं जानते हैं कि हमारे हेयर्स को भी यूवी प्रोटेक्शन चाहिए होता है, हमारे फेस पे तो सनस्क्रीन लगाते हैं बट हेयर्स के लिए कुछ सनस्क्रीन नहीं आता है बोल के अलग से, लेकिन जो सीरम होता है वो सनस्क्रीन का काम करता है हमारे हेयर्स के लिए। मैं आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के पहले एक बात और बताना चाहती हूँ। द कैन प्रोडक्ट में दो तरीके से सीरम आता है, हेयर सीरम, फर्स्ट जो अभी ये है अल्टीमेट हेयर साइन सीरम, और सेकंड है द सोमी स्कैन प्रोडक्ट का शाइन हेयर सीरम, जो बिल्कुल जेल बेस है, जैसे नॉर्मल सीरम आता है यूज़ करने के लिए, सीरम की कंसिस्टेंसी थोड़ा सा थिक सी, ये वैसा है। और दूसरा ये वाला है, ये बहुत ही एकदम वाटरी ऑयल बेस्ड टाइप है। तो आज की वीडियो में हम लोग, मैं आपके साथ में रिव्यू शेयर करने वाली हूँ द अल्टीमेट हेयर साइन सीरम का, और अगर आप लोग ये दूसरा वाला का रिव्यू देखना चाहते हैं आई मीन टू से शाइन हेयर सीरम का, तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में बता सकते हो, मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो शाइन हेयर सीरम के रिव्यू का कर दूंगी। अब मैं शेयर करती हूँ आप सभी के साथ अपना एक्सपीरियंस। मैंने दोनों सीरम यूज़ किया है, अल्टीमेट हेयर शाइन भी और ये नॉर्मल वाला भी, तो मैं आपको ये बता सकती हूँ जो अल्टीमेट हेयर साइन सीरम है जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं वो उनके लिए बहुत ज़्यादा परफेक्ट है जिन्होंने अपने हेयर पे बहुत ज़्यादा स्टाइलिंग किया हुआ है, आई मीन टू से बहुत ज़्यादा कलर करते हैं, जो कलर कर करके अपने हेयर्स को डैमेज कर चुके हैं, जिन्होंने बहुत हेयर कलर किया है, बहुत ज़्यादा हीटिंग टूल यूज़ कर चुके हैं। बट कभी कभी होता है ना कि हम लोग बस थोड़ा कर लेते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स अपने हेयर्स के साथ, बट जब हेयर थोड़ा डैमेज हो जाता है ना तब पता चलता है कि हमने कितना ज़्यादा गड़बड़ कर दी है।
तो जो वो टाइप के लोग होते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा अपने हेयर का एक्सपेरिमेंट किया और थोड़ा भी बहुत हेयर डल और डैमेज हो गया है, तो ये वाला हेयर साइन सीरम उनके लिए परफेक्ट है, क्योंकि उनके जो हेयर होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा अनमैनेजेबल और झाड़ू टाइप भी हो जाते हैं, तो उनके लिए ये एकदम परफेक्ट है। मैं ये आपको बता सकती हूँ अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से, क्योंकि मैंने दोनों यूज़ किया है। अब मैं आपको बताऊँ कि ये प्रोडक्ट जो है इट्स वेरी लाइट वेट, नॉर्मल सीरम थोड़े थिक रहते हैं, हैवी रहते हैं, बट ये वैसा नहीं है, इट्स वेरी 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 लाइट वेट। मैं आपको इसका एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा प्रॉपर नहीं दिखा पाऊंगी, शायद एक ड्रॉप लगे अपने हाथ में थोड़ा दिखा दूंगी कैसा लगता है, बिकॉज मेरा ये खत्म हो गया है, बहुत ही ज़्यादा थोड़ा सा बचा है इसमें, बट मैं आपको रिव्यू अच्छे से पूरा दे सकती हूँ बिकॉज मैंने इतना यूज़ किया। मैं नेक्स्ट बॉटल ज़रूर खरीदूंगी, और मैं जब खरीदूंगी ना तो मैं इंस्टा पे या फिर वीडियो पे अलग से आप लोगों के साथ एप्लीकेशन ज़रूर शेयर करूंगी उसका। तो इट्स वेरी 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 लाइट वेट, बहुत ज़्यादा लाइट वेट प्रोडक्ट है ये, बिल्कुल भी थिक और वैसा नहीं है जैसा मैंने बताया कि नॉर्मल सीरम्स होते हैं। दूसरा, इट्स एन ऑयल बेस्ड काइंड ऑफ सीरम, नॉर्मली सीरम ऑयल बेस्ड नहीं होते हैं, ये थोड़ा ऑयल बेस्ड है, तो लाइक बहुत लाइट वेट टाइप का जो ऑयल होता है ना, इसको यूज़ करके थोड़ी वैसी फील भी आती है कि हमने बहुत ज़्यादा लाइट वेट टाइप का ऑयल अप्लाई किया है, लेकिन इसको ऑयल की तरह बहुत ज़्यादा अप्लाई नहीं करते हैं, लाइक थोड़ा सा 2-3 ड्रॉप्स ही अप्लाई करने का होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ ऑफ योर हेयर। मैं वैसे बता रही हूँ लेकिन मैं आपको ढंग से बताऊंगी कि इसको अप्लाई करना कैसे है, करके नहीं दिखा पाऊंगी बिकॉज मैंने बताया फिनिश हो गया, लेकिन मैं आपको ढंग से बता दूंगी। और एक चीज़ जो मैंने इसमें यूज़ की है, तो मुझे लगता है कि ये एक्चुअली जैसे क्लेम करता है कि इंस्टेंटली आपके जो फ्रिज है उसे निकाल देगा, आपके हेयर को डीटैंगल कर देगा, स्मूथ कर देगा, ऐसा हमने क्लेम्स में पढ़ा था, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया पढ़ के, ये एक्चुअली अपने सारे क्लेम्स को पूरा करता है। इसको अप्लाई करते हैं आपके हेयर इंस्टेंटली बहुत स्मूथ फील होने लग जाते हैं, एक्चुअली में इंस्टेंट बहुत शाइन आ जाती है आपके हेयर में, बहुत ईजीली आपके हेयर्स डीटैंगल हो जाते हैं, बस आप उसे हल्का से अप्लाई करके अपने कोम्ब को जैसे अपने हेयर्स पे करोगे, आई मीन व्हाट टू से, आप उस सीरम को लगाते जैसे अपने बालों को बाओगे ना अपने कोम्ब से, तो बिल्कुल फिसलने लगेगा आपका कोम्ब, बहुत ही ईजीली डीटैंगल कर देगा। जैसे काफ़ी लोगों के बाल बहुत टैंगल हो जाते हैं और झड़ने लगते हैं टैंगल होने की वजह से, हम खींच खींच के निकालते हैं, ये बहुत गलत चीज़ है, टैंगल होने के बाद खींच खींच के बालों को कोम्ब से ठीक करना, तो ये लगाने के बाद आपके हेयर्स बहुत ईजीली डीटैंगल हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि जब आप इसे अप्लाई करते हो उसके आपके हेयर्स बहुत सिल्की स्मूथ और मैनेजेबल लगने लग जाते हैं, तो मैं एक बात और बताना चाहती हूँ, जैसे आज मैंने लाइक सपोज मैंने मंडे को अपने हेयर्स पे इसे अप्लाई किया है, अपना शैम्पू करके हेयर्स पे इसे अप्लाई कर लिया है अच्छे से, मेरा हेयर्स बिल्कुल स्मूथ और बहुत अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा ट्यूजडे यानी कि एग्जैक्टली नेक्स्ट डे मेरे हेयर्स ज़्यादा सुंदर लगने लग जाते हैं, ज़्यादा स्मूथ और ज़्यादा मैनेजेबल और ज़्यादा शाइनी, और आप खुद यूज़ करोगे तो आपको पता चलेगा जिस दिन आप अप्लाई करते हो उस दिन जो रिजल्ट मिलता है उसके नेक्स्ट डे उसका रिजल्ट बढ़ जाता है। आई डोंट नो इसका कुछ मैजिक है, बट एक्चुअली ये ऐसे ही होता है कि नेक्स्ट डे ज़्यादा शाइनी, ज़्यादा मैनेजेबल और बहुत ज़्यादा सुंदर आपके हेयर्स लगने लग जाते हैं। तो अब मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ इस प्रोडक्ट के प्रोज एंड कॉन्स, कि मुझे क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं है इस प्रोडक्ट में। तो सबसे पहली चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्रोडक्ट में वो है इसका प्राइस, विच इज़ जस्ट 125 रुपीज़, सिर्फ 125 रुपये का आता है। इसकी वजह से हर कोई इसे अफोर्ड कर सकता है, कोई भी, आई मीन हेयर प्रॉब्लम तो बहुत लोगों को होती है, लेकिन सीरम इतने एक्सपेंसिव आता है कि हर कोई हर सीरम अफोर्ड नहीं कर सकता, बहुत अफोर्डेबल है, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। सेकंड जो मुझे इसमें पसंद है वो ये कि ये 100% आयुर्वेदिक है, इनमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, आयुर्वेदिक चीज़ों का ये होता है अगर गलती से थोड़ा ज़्यादा भी कभी अप्लाई कर लिए तो आपके हेयर को नुकसान नहीं पहुंचाएगा किसी तरीके से, भले ही थोड़ा ऑयली कर देगा बट वो नुकसान किसी तरह से नहीं पहुंचाएगा, ये एक एडवांटेज होता है आयुर्वेदिक प्रोडक्ट को यूज़ करने का। ये भी इसमें मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है कि कम्प्लीटली सेफ है, आयुर्वेदिक है। और तीसरा जो मुझे इसमें बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसकी जो क्वांटिटी है ये भी बहुत अच्छी मिलती है आपको, 100 ml, भले 100 ml आपको बॉटल देखने में बहुत बड़ी ना लगती हो बट ट्रस्ट मी आपको सिर्फ इसे 2 ड्रॉप्स यूज़ करना होता है या 4 ड्रॉप्स, आपके हेयर अगर लॉन्ग है मैं बताऊंगी मैं कैसे यूज़ करती हूँ। तो क्वांटिटी वाइज भी मुझे ये बहुत पसंद है, 100 ml बहुत लंबा चलता है, काफ़ी अच्छा है। और थर्ड चीज़ जो मुझे इस प्रोडक्ट में बहुत पसंद है वो है इसकी पैकेजिंग, बहुत ट्रैवल फ्रेंडली है, आप इसे अपने बैग में रख के इजीली कैरी कर सकते हो, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेयर का प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा फ्रीजी हो जाते हैं, जैसे मैंने बोला कि जिनके हेयर्स बहुत कलरिंग और उसकी वजह से डैमेज हो चुके हैं, तो उन्हें अगर लगे कि उन्हें वापस से अप्लाई करने की ज़रूरत पड़ती है दिन में, तो अपने बैग में रख के आराम से ले जा सकते हैं, वो खुल के कहीं बिखर के इधर उधर नहीं होगा,
पैकेजिंग बहुत अमेजिंग है एंड दिखने में मुझे वो कोकोनट ऑयल की पैकेजिंग जैसी लगती है। और एक चीज़ जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इस प्रोडक्ट में वो ये है कि अपने क्लेम्स को पूरा करता है, ये मुझे इस प्रोडक्ट में बहुत 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 ज़्यादा पसंद है। और लास्ट में मुझे एक चीज़ और बोलनी जो मुझे बहुत पसंद है इस प्रोडक्ट में वो ये, इसके बहुत ईजीली हर जगह अवेलेबल है, कोलकाता में तो हर जगह अवेलेबल है, इनफैक्ट डिस्काउंट में भी बहुत ईजीली मिलता है। तो अब बात करते हैं प्रोडक्ट के कॉन्स की कि ऐसी क्या चीज़ है जो प्रोडक्ट में मुझे अच्छी नहीं लगती है, मुझे पसंद नहीं है। तो जैसा कि मैंने स्टार्ट में बताया था, इट्स एन ऑयल बेस्ड सीरम, ये जो सीरम है थोड़ा ऑयल बेस है जो कि बहुत ज़्यादा फ्रिजी और झाड़ू वाले फुसू बाल के लिए तो बहुत अच्छा है, बट उसका एक डिसएडवांटेज भी है और वो डिसएडवांटेज ये है कि आप गलती से भी थोड़ा सा इसे ज़्यादा अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आपने थोड़ा सा ज़्यादा इसे अप्लाई कर लिया और अगर आपके हेयर जो है थोड़ा मैनेजेबल है, सपोज़ बहुत ज़्यादा झाड़ू टाइप और वैसे नहीं है, और उस टाइप के हेयर्स में अगर आपने गलती से भी थोड़ा सा ज़्यादा अप्लाई कर लिया ना तो बहुत चिपकू जैसा बाल करता है, फिर एक्चुअली लगता है कि आपने थोड़ा सा ऑयल ही लगा लिया है। दो दिन अगर मैं बैक टू बैक लगा लूँ उसे तो थोड़ा सा लगने लग जाता है। अगर आपके हेयर बहुत ज़्यादा फ्रिजी और जैसे मैंने बताया था डैमेज है एकदम कलरिंग और हेयर स्टाइलिंग से, तो आप इसे बैक टू बैक दो दिन में आराम से यूज़ कर सकते हो बिंदास, आपके हेयर्स में किसी तरीके का ये ऑयलीनेस वैसा नहीं देगा वो, क्योंकि जो ऑयलनेस हम लगाते हैं वो आपके हेयर्स पी ले रहा है ऑयल, तो वो अलग से एक्स्ट्रा नहीं दिख रहा है, जो हेयर नॉर्मल है वो उतना है उसको ऑब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, तो वो थोड़ा सा ऑयली दिख रहा है। सो ये तरीके से जिनके हेयर बहुत फ्रिजी है उनके लिए प्रोज में ही आता है, बट जिनके बहुत ज़्यादा फ्रिजी और डल नहीं है ना और डैमेज नहीं है तो उनके लिए थोड़ा कॉन्स में आता है, बट ये मुझे बोलना था। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है तो अगर इस चीज़ को भी हटा दूँ तो इस प्रोडक्ट में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो मुझे पसंद नहीं है या ख़राब लगती है, हर एक चीज़ इस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी है, कंप्लीट अपने पूरे क्लेम को पूरा करता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मेरा जो ये अल्टीमेट हेयर साइंस सीरम है मैं इसे अप्लाई करने के लिए क्या यूज़ करती हूँ। जैसे मैंने बताया कि मेरा ऑलरेडी फिनिश हो चुका है, मैं रिक्वेस्ट किसी ने बहुत लेट से किया ऑलरेडी, इसमें पहले ही इसे वीडियो कर लेती तो आपके हेयर्स अगर कमर तक आते हैं थोड़ा उससे ऊपर भी, मेरे थोड़ा शॉर्ट है, अगर नीचे तक आपके हेयर्स आते हैं थोड़ा, तो आप क्या करना अपने पाम्स में अपने हथेली में दो बूंद ले लेना उससे, टू ड्रॉप्स, और अपने हेयर्स को हाथ को ऐसे ऐसे करके मलना, टू ड्रॉप्स लेने के बाद हाथ में अच्छे से उसको वार्म करने के बाद अपने हेयर्स को ना दो कर लेना, एक तरफ हाफ हाफ डिवाइड कर लेना, हाफ इधर हाफ इधर, फिर अपने हेयर्स में ऐसे करके लगाना टू ड्रॉप्स इस तरफ और इस तरफ में करके टू ड्रॉप्स इस तरफ। अगर आपको लगता है कि आपके हेयर्स थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग है और बहुत ज़्यादा ही फ्रिजी है तो आप थ्री ड्रॉप्स कर सकते हो, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगी पहले बार में आप टू ड्रॉप्स ही लगा कर देखना, अगर लगता है और लगेगा तो एक ड्रॉप और ले लेना, बट प्लीज़ बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा मत लगाना वरना बहुत हैवी लगने लगेगा क्योंकि ऑयल बेस्ड सीरम है। और अगर आपके हेयर्स मेरे जैसे हैं लाइक इतने हैं मेरे हेयर्स और थोड़ा लाइट भी है तो आप टोटल में टोटल थ्री ड्रॉप्स लेके पूरे हेयर्स में एक तरफ पूरे बालों को करके ऐसे लगा लेना, क्योंकि वन एंड हाफ ड्रॉप तो हम निकाल नहीं सकते। मेरे हेयर्स में अगर मैं थोड़ा सा भी गलती से ज़्यादा लगा लेती थी तो बहुत चिपू जैसा हो जाता था और उसमें फिर शूट नहीं कर पाती थी क्योंकि मेरा हेयर थोड़ा चिपकू लगने लग जाता था। तो मैंने आपको बता दिया कि इसका अप्लाई किस तरह से प्रॉपर वे से करना है, आई थिंक आप समझ गए होंगे। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम करके मेरे इंस्टाग्राम में पूछ सकते हो, मैं आराम से वहाँ सबको हर एक क्वेश्चंस का रिप्लाई देती हूँ जितने लोग इसी चीज़ के बारे में मुझसे पूछते हैं। अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है तो आप मुझे कॉमेंट्स में बता सकते हो। तो मिलती हूँ मैं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।